ब्रॉट टू यू बाय सेंसोडेंट के। अभी लेके आए सेंसोडेंट के, टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। 14 फरवरी को दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुआ। इस इवेंट का एक सेशन था द मेकिंग ऑफ अ स्टार, अ कॉन्वर्सेशन विद शाहरुख खान। इसमें हिस्सा लेने के लिए शाहरुख खान भी वहां पहुंचे थे। इस बातचीत के दौरान शाहरुख ने कौन बनेगा करोड़पति पर बात की। उन्होंने बताया कि शो के प्रोड्यूसर्स उनके कान में चिल्लाने लगते थे क्योंकि वो हॉट सीट पर बैठे कॉन्टेस्टेंट्स की मदद करने की कोशिश करते थे ताकि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जीत सके। शाहरुख ने बताया कि KBC में जो सवाल पूछे जाते थे कई बार का जवाब उन्हें खुद भी नहीं पता होता था। इस सेशन में ब्रिटिश जर्नलिस्ट रिचर्ड क्वेस्ट ने शाहरुख से पूछा कि उन्हें कैसा महसूस होता था जब KBC में कोई कंटेस्टेंट्स करोड़ रुपए जीतने के करीब होता था। इस पर शाहरुख ने कहा, मैं दिल से चाहता था कि वो जीत जाए। उस शो में देश के अलग अलग कोनों से लोग आते थे। कई बार ऐसा होता था कि मैं उनकी मदद करना चाहता था मगर प्रोड्यूसर्स मेरे कान में चिल्लाते रहते थे कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आपने पहले ही काफ़ी कुछ बता दिया है। आखिरी 2 या 4 सवाल वाकई मुश्किल होते थे। अचानक से मुश्किल सवाल आ जाता था और मुझे लगता था कि अब ये शख्स सही जवाब नहीं दे पाएगा। मुझे बुरा लगता था, कई बार लगता था कि कुछ हिंट दे दूं, लेकिन मैं उन्हें गुमराह नहीं करना चाहता था क्योंकि अधिकतर सवालों के जवाब तो मुझे भी नहीं पता होते थे। इस इंटरव्यू में शाहरुख से हॉलीवुड फिल्मों में काम करने के बारे में भी पूछा गया। इस पर शाहरुख ने कहा कि उन्हें कभी कुछ ऑफर नहीं हुआ, हालांकि डैनी बॉयल ने उन्हें स्लम डॉग मिलियनेयर में काम करने के लिए अप्रोच किया था। शाहरुख ने बताया कि उन्हें फिल्म की कहानी काफ़ी पसंद आई थी मगर उस फिल्म की कहानी में होस्ट का रोल थोड़ा नेगेटिव था जो उन्हें ठीक नहीं लगा क्योंकि वो तब KBC होस्ट कर रहे थे। पब्लिक को लगता था कि शाहरुख भी अपने शो में उसी तरह की बेईमानी करते हैं, इसलिए उन्होंने वो फिल्म रिजेक्ट कर दी। बाद में उस रोल में अनिल कपूर को कास्ट कर लिया गया था। कौन बनेगा करोड़पति की शुरुआत साल 2000 में हुई थी। पहले 2 सीजन अमिताभ बच्चन ने होस्ट किए थे मगर तीसरे सीजन में शाहरुख बतौर होस्ट शो से जुड़े मगर बच्चन वाला जादू नहीं कर सके, इसलिए चौथे सीजन से अमिताभ की वापसी हो गई। इस क्विज शो के 15 सीजन पूरे हो चुके हैं, इसमें से 14 सीजन अमिताभ बच्चन ने ही होस्ट किए हैं। शाहरुख खान ने बीते साल 3 कड़क फिल्में दी हैं, पठान, जवान और डंकी। तीनों ने खूब पैसे पीटे। अब तीनों ही फिल्में OTT प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है। अब फैंस को शाहरुख खान की नई फिल्मों का इंतजार है मगर अब तक शाहरुख ने ये अनाउंस नहीं किया है कि वो कौन सी फिल्मों में काम करने वाले हैं। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी मेरे साथी अविनाश ने। सिनेमा से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। मैं हूँ मनीषा, शुक्रिया।